हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? अच्छे हो फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टिप्स बताने वाली हूँ और एक आई मेकअप बताने वाली हूँ। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ छोटी आईज़ के लिए, जिनकी आंखें ना बहुत छोटी होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी आईज़ पे भी वैसा ही बड़ी आंखों वाला मेकअप कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, हम हाईलाइटर लगा लेते हैं, फ्रंट कॉर्नर पे भी लगा लेते हैं, ऊपर भी लगा लेते हैं, आईब्रो डार्क डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना है फ्रेंड। जो हमारी छोटी आईज़ होती हैं उनके लिए मेकअप अलग है। ओके, तो जैसे हम बड़ी आईज़ के लिए, हुडेड आईज़ के लिए, किसी भी आईज़ के लिए करते हैं, वैसे नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मैं बताती हूँ आपको कि छोटी आईज़ पे हमने कैसे मेकअप करना है। जो मैं आपको बताती हूँ वो टिप्स आप नोट कीजिए प्लीज़, ठीक है? तो ही आपको मेकअप करना आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ड्राइंग करके बता रही हूँ कि मेकअप छोटी आंखों पे कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने आज फ्रेंड टॉपिक लिया है मेकअप का ही है, मेकअप फॉर स्मॉल आइज़। जिनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं उन पे हम कैसे मेकअप करते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने आइज़ बनाई है, ठीक है, छोटी आइज़ बनाई है मैंने, आईब्रो बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने किया हुआ है इसमें, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ दोबारा करके। सबसे पहले जो आईज़ है ना, यहाँ पे हमने क्रीज लाइन बनानी है। ब्राउन कलर लिया है मैंने, ये ब्राउन कलर लिया है, ये वाला शेड, ठीक है, ये वाला शेड मैंने लिया है, ये दोनों मिक्स करके लिए हैं ब्राउन शेड। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले एज इट इज़ ही हम जैसे क्रीज क्रिएट करते हैं डी बना के ऊपर, तो वैसे ही मैंने बनाई है। यहाँ पे देखिए मैंने डी बनाई है, यहाँ पे हमने डी क्रिएट करनी है, जैसे मैंने मेकअप में आपको सिखाया हुआ है, डी क्रिएट की है। डी को अच्छी तरह से पीछे से आगे की तरफ ब्लेंड करना है। इस साइड भी सेम डी बनानी है, क्रीज बनानी है जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, क्रीज बनानी है, उसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है ऐसे राउंड राउंड। इधर भी सेम बना दिया, फिर उसको अच्छी तरह ऊपर की साइड ब्लेंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने डी बनाई है और इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड किया है। ये हमने इसको ब्लेंड किया है ऊपर की तरफ। देन फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, एक आईलाइनर लेना है, उसको छोटी आईज़ में आईलाइनर लेना है, उसको यहाँ पे एंड पे लगाना है। मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे एंड में लगाना है, बस यहाँ पे आईज़ के एंड में लगाना है और फिर इसको हमने मर्ज करना है ऐसे, पूरी तरह ब्लेंड कर देना है। पीछे लगा के ब्लेंड किया है, पीछे ही ब्लेंड करना है, आगे नहीं लेके आना है। छोटी आईज़ में जो आईलाइनर है वो पीछे ही लगाना है, आगे नहीं लेके आना है, ध्यान रखना है इस बात को। ये देखिए लाइनर लेके हमने यहाँ तक इसको ब्लेंड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, लाइनर लेके हमने उसके पीछे पीछे ब्लेंड कर दिया। जो आप फ्रेंड्स यहाँ पे कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाते हो ना, शिमर लगाते हो, वो छोटी आईज़ में नहीं लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने जो हाइलाइटर लगाना है ना कॉर्नर पे, वो छोटी आईज़ में नहीं लगाना है, स्मॉल आईज़ पे आगे शिमर नहीं लगाना है। ओके फ्रेंड्स, पीछे डार्क कलर का आईलाइनर लगाना है यहाँ पे कॉर्नर्स में, उसको पीछे ही ब्लेंड कर देना है। ओके फ्रेंड्स, देन आपने क्या करना है, मैंने ये लाइट कलर लिया है, ये पिंक शेड लिया है, पिंक शेड, जो हमने ये डी बनाई है ना, क्रीज क्रिएट की है, उसके नीचे हम उसको भर देंगे ऐसे राउंड 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 करते हुए, यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, सारी मर्जिंग कर देंगे।
ये सारी मर्जिंग कर दी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए ये छोटी आईज थी, ये बड़ी बड़ी लगने लगी हैं। और जो हमने लाइनर लगाना है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पीछे लगा दिया है, अगर फिर भी लगाना है तो आप लाइट कलर का, शेड का कोई भी लाइनर लगा सकते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये पीछे हमने ब्लैक कलर का लाइनर लगाया है ना, यहाँ पे मैंने गोल्डन लाइनर लगा दिया है। कोई भी कलर लेके आप लाइट कलर का लगा सकते हो। छोटी आईज में हमने लाइनर लाइट लगाना है, ठीक है। ब्लैक वाला आइनर ज़्यादा नहीं लगाना है उसमें, वो और छोटी लगेंगी। और इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि आई लैशेज लेके ना, आई लैशेज़ को काट के यहाँ पे हमने लगा देना है, जो छोटी आइज़ है। ये मैंने आपको स्मॉल आइज़ का मेकअप बताया है कि स्मॉल आइज़ पे मेकअप थोड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं, वही सेम मेकअप नॉर्मल उस पर नहीं करना है आपने। उसमें शिमर नहीं लगाने हैं, फ्रंट कॉर्नर पर हाईलाइटर नहीं लगाना है, और फ्रंट पे जस्ट कॉर्नर पे हम उठा के लगा देते हैं, वो नहीं लगाना है उस पर आपने। आपने क्या करना है, पहले डीक्रेट करनी है, क्रीज़ बनानी है, देन पीछे से पीछे लाइट थोड़ा सा ब्लैक लाइनर लगाना है, जैसे मैंने बताया है। छोटी आईज़ में हमेशा हल्के रंग का ही लाइनर लगाना है। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि छोटी आईज़ में हमने ये जो आप आईब्रो फिल करते हो ना डार्क डार्क, वो नहीं करने हैं, आईब्रो को लाइट करना है। ये वाली चीज़ हमने लाइट कर देनी है, आईब्रो डार्क नहीं करने हैं छोटी आईज़ में। छोटी आईज़ में आईब्रो हमने डार्क नहीं करने हैं, ओके फ्रेंड्स। आईब्रोज़ को लाइट रखना है। ये मैं इसीलिए उतार रही हूँ ताकि आपके सामने उतार रही हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। ये टिश्यू लिया मैंने और यहाँ से मैंने ये हटा दिया है। अब यहाँ पर ड्राइंग पे नहीं हट रहा है कलर, लेकिन आपने ये जो काम है ये आईब्रो डार्क छोटी आईज़ पर नहीं करने हैं, लाइट रखने हैं, ओके फ्रेंड्स। ये देखिए ये छोटी आईज़ हमारी बड़ी लग रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे करना है छोटी आईज़ पे मेकअप। इसके टिप्स आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए डायरी पे। नो शिमर ऑन आई कॉर्नर, आईज़ कॉर्नर पे शिमर नहीं लगाना है स्मॉल आईज़ में, टिप्स फॉर स्मॉल आईज़। नो डार्क आईब्रो, आईब्रो ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं, जो डी शेप में लगाएँ, ब्राउन कलर लगाएँ और ऊपर को ब्लेंड करें। लाइनर कॉर्नर में लगाएँ लास्ट में, फिर लाइनर ब्लेंड करें, फिर लाइटर शेड लगाएं, जो हमने आई छोड़ी हुई ना डी बनाने, क्रीज बनाने के बाद वहाँ पे लाइटर शेड लगाएं, देन जो हम आईलाइश लगाएंगे वो भी कट करके लगाएंगे, ओके फ्रेंड। देखिए आपके आई छोटी आईज़ का लुक कितना अच्छा आएगा, आईज़ बड़ी बड़ी लगने लगेंगी और ओवर भी नहीं लगेगा। ये रूल्स आपने छोटी आईज़ के लिए ज़रूर फॉलो करने हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और अपनी डायरी लगाइए, उस पर जो मैं आपको मेकअप के टिप्स बताती हूँ उसको नोट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, और घर में करके देखिए, ओके फ्रेंड। जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी हेल्प के बिना ये नहीं होगा। जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होंगे मैं लाइव नहीं आ सकती हूँ, वीडियो इतनी छोटी छोटी ही बनेगी फ्रेंड्स, ओके। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर जो हैं उसको कम्प्लीट कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।